छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी परंदेश्वरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को श्राप है कि वो केवल झूठ बोलते हैं और लोगों में भ्रम फैलाते हैं और उनका सर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश प्रभारी ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ऐसे मैं समझ रही हूं कि भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स, इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं, हमेशा झूठे ही बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी परंदेश्वरी के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के संबंध में यह बयान दिया जाना कि उनका सर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा, अमानवीयता की हदों को पार करना है। ऐसा संवेदनशील बयान तो शत्रुओं के संबंध में भी नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी विरोधी दल के नेता के प्रति इतना ज़्यादा ऊंची मानसिकता रखती हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।